कीजिए, वो एसी का होने के कारण वो लैपटॉप की पात्र है कि उसको लैपटॉप मिलेगा, मैं ओबीसी और जनरल में आने के कारण मेरे कई नहीं मिले। बेटा जी, मामा जी, हमको मैंने पहले ही कहा जी मामा जी कि कुछ अगर वंचित है तो उनके लिए सोच सकते हैं, लेकिन एक क्षण जी मामा जी हम ये भी सोचें कि बरसों तक जी जो लोग बहुत पीछे रह गए हैं अगर उनको थोड़ी बहुत सुविधा मिलती है जी तो हमको उसको भी स्वीकार करना चाहिए। हमको बात ये करना चाहिए कि हमारे लिए क्या होगा। मामा जी, जो मेधावी एक मिनट सुने बेटा, हमने जो मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना बनाई वो सबके लिए बनाई, कोई भेद उसमें नहीं रखा। हमने जो गरीब विद्यार्थियों के लिए योजना बनाई वो समाज के सब वर्गों के लिए बनाई जी, कोई भेद नहीं रखा मामा जी। लेकिन मामा जी हमने तो दिन रात उनके साथ ही पढ़ाई की ना, बराबर तो हम ये कर रहे हैं ना मामा जी कि मतलब पढ़ाई तो हमारी भी उतनी हो रही है जितनी उनकी हो रही है। मामा जी इस चीज की देखिए मामा जी, मेरा कहना है कि आप पढ़ाई के नाते में कम से कम जाति तो ना देखिए। देखिए मैंने कई मामलों में मामा जी जाती। देखिए हमारा ये देश ऐसा देश है जिसमें कई अलग अलग रंग के फूल खिले हुए हैं जी मामा जी। सबका ध्यान रखना और सबको संरक्षण देना ये अपन सबका काम है। जो सुविधाएं आज मैं दे रहा हूँ जी ये पहले कभी नहीं थी। आप बताओ पहले कहीं मेधावी विद्यार्थी योजना थी किसी के लिए? नहीं मामा जी। आज है तो तुम सबके लिए है, गरीब विद्यार्थियों के लिए सुविधा है तो मेरे बेटे सबके लिए है। हमको अपने हृदय को थोड़ा विराट और विशाल भी रखना चाहिए, लेकिन जहां तक विकास का सवाल है सब आगे बढ़े उसका प्रयास हम कर रहे हैं।